मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर के बाड़गंगा थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। बेरहम पति अपनी पत्नी और पुत्र की हत्या कर फरार हो गया। पूरे मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी। दोहरे हत्याकांड से इंदौर में रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां बाड़गंगा थाना क्षेत्र में एक बेरहम पति ने अपनी पत्नी और बेटे की बड़े ही बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल पूरी घटना इंदौर के बाड़गंगा थाना क्षेत्र के गणेश धाम कॉलोनी की बताई जा रही है, जहां महाराष्ट्र के अकोला का रहने वाला परिवार काम की तलाश में इंदौर आया था, जहां पति कुलदीप ने पहले अपने 11 वर्ष के बेटे आकाश की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। उसके बाद अपनी पत्नी शारदा बाई की हत्या कर फरार हो गया। पूरे मामले में मकान मालिक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा दोनों के शव कमरे में पड़े थे। हाँ, वहाँ एक 30-32 साल की महिला एवं उसके बेटे की हत्या का प्रकरण हुआ है जी। जो अभी तक प्राथमिक जानकारी मिली है उसके अनुसार ये लोग महाराष्ट्र अकोला जिले के किसी गांव के रहने वाले थे और यहाँ काम की तलाश में 3-4 दिन पहले ही आए थे 9 तारीख को, और उन्होंने वहाँ एक कमरा उनके परिचित कोई एक व्यक्ति के यहाँ अस्थायी तौर से रह रहे थे कि काम मिल जाएगा तो हम अपना दूसरा ठिकाना बना लेंगे। इसी बीच जो जानकारी मिली कि वो जिसके यहाँ रह रहे थे उसने बताया फ़ोन पे थाने पे कि मैंने ताला खोला अभी 4 बजे नौकरी से आके, तो वहाँ उनकी लाश पड़ी हुई है, महिला की और उसके बेटे की, और वो जो उसका पति है वो फरार है। तो ये प्राथमिक तौर से उसकी जानकारी जो मिली है उसका नाम शारदा है और उसके पति का नाम कुलदीप है, और बेटे का नाम, बेटे का नाम आकाश है। हाँ, वो नंबर मेरे पास में है, कुलदीप की तलाश कर रहे हैं। बोले हाँ, आप बोले डबल ही डबल 9 22 0 2 5 6 0 1 यही ना, सारा प्रकरण खुलेगा तो आपको जानकारी। धारदार हथियार से गले पे वार है, कुलदीप।